एक्स्ट्रा टाइम। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. Because मुझे पता है कि इंडिया में अगर आपने पहले मैच में राहुल को नहीं खिलाया तो बवाल मच जाएगा और लोग कहेंगे कि अरे वो रन बना रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना देवाशीष, हमारे यहाँ पे T20 क्रिकेट का, सॉरी टू से, इवन आफ्टर 14 इयर्स इंडिया में जीरो अंडरस्टैंडिंग है T20 क्रिकेट का। लोग आज भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि नंबर 4 पे कौन बल्लेबाजी करेगा, नंबर 5 पे कौन बल्लेबाजी करेगा, नंबर 6 पे कौन बल्लेबाजी करेगा। ये T20 क्रिकेट है, कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी जाके बल्लेबाजी कर सकता है। दो घंटे में डिलीवरी, विश्व स्पीडी रिकवरी, कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए ASAP, तो बस अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ दो घंटों में। हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश एंड राजस्थान रॉयल्स एकेडमी यूके। सो वी ऑल थ्री आर बैक टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज इंडिया ने कॉन्फिडेंट जीत हासिल किया इन द वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो लगातार दो वार्म अप मैच इंडिया ने जीत किया एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन कन्विंसिंग विंस गोइंग इनटू द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान व्हिच इज ऑन द अक्टूबर 24। विद मी टू डिस्कस मोर ऑन द इंडियन टीम्स परफॉर्मेंस, द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द कंसर्निंग एरियाज फॉर इंडियन टीम, व्हाट आर द एरियाज दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, इसके बारे में पूरा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंद्रेश नारायणन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश से। आई हैव सिद्धार्थ लाहिरी जॉइनिंग मी who is also in Dubai right now from Rajasthan Royals Academy UK. He was recently with the Rajasthan Royals team in the IPL. Welcome back, Siddharth. At least you must be relieved out of the bye bubble. Very much so. We would have been happy had we finished the tournament in a higher, in a better note. But hey, that's how it is. क्या कर सकते हैं? We all right. put so, all the Chandresh, efforts. पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ और चंद्रेश, दो वार्म अप मैच में टू विंस, 100% रिकॉर्ड गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, बट देन डू यू रेकन दैट इंडिया हैव टिक मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस? देखिए देवाशीष, ये वार्म अप मैचेस का प्रॉब्लम ये है ना कि आपको लगता है कि आपने सब कर दिया है, बट क्या आपके सामने वाले टीम ने भी उस मैच को वार्म अप के तरह ही लिया है, वही आपको देखना होगा। बिकॉज आपके तरफ से आपने पूरी 100% दी है, पर कम संडे बात एकदम अलग होगा। आप वेस्ट इंडीज का ही देख रहे हो ना, वेस्ट इंडीज बहुत बुरी तरह से हार गई पाकिस्तान से वार्म अप मैच में। और मैं बार बार मानता हूं, वार्म अप मैच इज जस्ट अ गाइड। 1983 वर्ल्ड कप के पहले इंडिया सब वार्म अप मैच हार गया था, 92 वर्ल्ड कप के पहले पाकिस्तान भी सब वार्म अप मैच हार गया था। तो वार्म अप मैच इज गुड टू विन, but I don't think it's the be all and end all. It's a guide, right? So that's the fact that both Virat did mention before the England game that Rohit and Rahul will open the batting for India. Rohit or Rahul will open करेगा। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि चंद्रेश के साथ मेरा बात हो रही थी कल, और चंद्रेश का ये मानना है कि ideally Virat Kohli should open the batting. Maybe Rahul should be out and Virat needs to open the batting, and youngsters like who are your gun players like Ishan Kishan, Rishabh Pant and Surya Kumar Yadav should be there in the side in all the matches, because they are your youngsters, they are bubbling in confidence, they have the freedom, they can express themselves. So aise players hum log ko chahiye in T20 format. तो क्या आप लगते हैं, जैसे चंद्रेश का एक मिनट देवाशीष, व्हेन यू से एक्सप्रेस, इज इट न्यू इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस? राइट पॉइंट आउट। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे चंद्रेश ने पॉइंट आउट किया कि ही वुड लव टू सी विराट ओपनिंग द बैटिंग, बट विच वुड नॉट बी द केस, क्योंकि हमको सबको पता है कि रोहित और राहुल ही ओपन करने वाला है, एंड राहुल लुक्ड बैट्समैन इन फॉर्म, IPL में अच्छे लय में थे और ये दोनों वार्म अप मैच में भी रन बनाया, और साथ में रोहित वी ऑल नो ही इज अ गन प्लेयर। तो क्या लगता है, ओपनिंग वी शुड परसिस्ट विद रोहित एंड राहुल इन द ओपनिंग स्टैंड? मैं चंद्रेश से
बहुत ज्यादातर से सहमत हूँ, आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ व्हाट ही हैज सेड। उसका दो रीजन है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट T20 फॉर्मेट में पोजीशन है नंबर सेवेंथ ओवर टू द एंड, दैट इज द टाइम जो मैच डिसाइड होता है कि किस तरफ जाएगा। कहीं भी देख लो, जनरली अगर विकेट एकदम घटिया नहीं हुआ तो पावर प्ले इज नॉट द चैलेंजिंग टाइम। सो हमें मिडिल ऑर्डर को दो चीज चाहिए, नंबर वन सिक्स हिटिंग एबिलिटी, नंबर टू बैटर्स हैव टू बी इनोवेटिव जो 360 डिग्री में शॉट्स खेल सकते हैं। आइदर पावर की स्पिनर आएगा तो बॉल को छक्का मारने का, देयर इज नो, यहां पर वो बॉल रोटेशन का अभी अब नहीं, सिंगल लेके रोटेशन, सिंगल इज अ डिफॉल्ट, बात को ये समझना है कि सिंगल हम डिफॉल्ट में लेंगे। हम अगर आप छे छे करके रन लोगे सेवेंथ ओवर से लेके 60th ओवर तक, आपका 150 रन भी नहीं बनेगा। तो सिक्स हिटिंग एबिलिटी इन फॉर्म प्लेयर्स। नाउ अनफॉर्चुनेटली रोहित, राहुल, विराट तीनों एक डायमेंशनल क्रिकेटर है। विराट इज द कैप्टन ऑफ दिस शिप एंड ही इज अ बिग मैच प्लेयर। वो इस हिसाब से अगर देखोगे, मुझे अगर ये पूछोगे, मैं कहूंगा कि हाँ, एट द मोमेंट राहुल हैज टू सिट आउट। रोहित विराट टू ओपन गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट मिडल ऑर्डर, किशन, सूर्या, ऋषभ, मच स्ट्रॉन्गर, यू नो, 3-4-5। और ऑल ऑफ, आई मीन, ईशान किशन इज इन फॉर्म, ऋषभ इज इन फॉर्म, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। फॉर्म मीन्स रन का स्ट्राइक रेट देखो तो इंपॉर्टेंट आईपीएल के मैचेस में ईशान फॉर्म में वापस आया। लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है, तीन नंबर लेफ्ट हैंडर, चार नंबर राइट हैंडर, राइट? तो उसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा कॉम्बिनेशन बॉलिंग टीम के लिए, ये बच्चों का क्रिकेट में भी प्रॉब्लम होता है, इस लेवल में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बॉलर एक लाइन एंड लेंथ एडजस्ट करता है, वो टूटता है इससे। तो मैं, मुझे अगर पूछोगे तो मैं एकदम सहमत हूं चंद्रेश से कि ये होना चाहिए। अभी होगा कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन होना तो चाहिए। जी बिल्कुल। चंद्रेश, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन इट? नहीं, आई थिंक दादा हैज बीन वेरी कंप्लीट इन हिज सबमिशन। और मुझे लगता है कि, बट ये होगा नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि इंडिया में अगर आपने पहले मैच में राहुल को नहीं खिलाया तो बवाल मच जाएगा और लोग कहेंगे कि अरे वो रन बना रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना देवाशीष, हमारे यहाँ पे T20 क्रिकेट का, सॉरी टू से, इवन आफ्टर 14 इयर्स, इंडिया में जीरो अंडरस्टैंडिंग है T20 क्रिकेट का। लोग आज भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि नंबर चार पे कौन बल्लेबाजी करेगा, नंबर पांच पे कौन बल्लेबाजी करेगा, नंबर छह पे कौन बल्लेबाजी करेगा। ये T20 क्रिकेट है, कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी जाके बल्लेबाजी कर सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट। वन डे क्रिकेट में आपको थोड़ा फिक्स स्लॉट चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में उससे भी ज्यादा फिक्स स्लॉट चाहिए। ये फॉर्मेट फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता, तीन पे को, आज वनिंदो हसरंगा नंबर चार पे है बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका के लिए। वो अगर हिसाब होता, आज अगर कोई लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर बोलिंग कर रहा है और चार पे तुम्हारे तीन नंबर पे तुम सूर्या को भेज रहे हो, बात के बाद बता रहा हूं, और तुम्हारे पास ईशान है तो तुम ईशान को पहले भेजोगे, अगर ऑफ स्पिनर आ रहा है तुम सूर्या को पहले भेजोगे, बिकॉज ही सो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 100 out of 100 चंद्रेश ऑन दिस, दैट वी हैव टू बी सो फ्लेक्सिबल। ये वैसा नहीं होता है कि भैया तीन नंबर तेरा, चार नंबर मेरा, पांच नंबर किसी का, ऐसा नहीं, एकदम फ्लेक्सिबल रहने का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें मैं आईपीएल के जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप को मैं ब्लेम करूंगा। हमारे यहाँ पे ना, हम वो ऑरेंज कैप देखते हैं और बोलते हैं उसने सबसे ज्यादा रन बनाया तो उसको T20 टीम में, वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो पोलार्ड, डीके, रसल, ये जो प्लेयर्स हैं, मार्कस टॉयनिस, ये जो आके इनिंग्स खेलते हैं, या मैक्सवेल, ये लोग कभी नहीं जीत पाएंगे ऑरेंज कैप। जडेजा, ये लोग कभी ऑरेंज कैप नहीं जीत पाएंगे। ये आई थिंक ये पहले आईपीएल में, और मैं ये बार बार कहता हूँ, आईपीएल में ये ऑरेंज कैप हैज टू गो टू द प्लेयर विद द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, और वैसे ही पर्पल कैप हैज टू गो
टू द पर्सन विद द विकेट्स, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपने देखा है इस फॉर्मेट में हैट्रिक लेना कितना आसान है। युवराज का 2 हैट्रिक है आईपीएल में, बट क्या आप युवराज को गेंदबाजी के लिए याद करते हैं? नहीं, आप उनको उनके बल्लेबाजी के लिए याद करते हैं। इस फॉर्मेट में हैट्रिक लेना बहुत आसान है, आपको बॉलर विद द बेस्ट इकोनॉमी देखना है, क्योंकि ये गेम है 5 बॉल 10 बॉल जो भी डाल दे उसमें मैच बदल जाता है। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट इट्स द स्ट्राइक रेट गेम जो तुम मैं तुमको बोल रहा था देवाशीष की, हमें वो एक एक करके रन लेने का भी है ही नहीं भाई, स्ट्राइक रोटेशन का बात ही नहीं होता है किसी मीटिंग में। छक्का कौन? मैं आई वुड लाइक टू इंटरप्ट बोथ ऑफ यू जेंटलमैन, क्योंकि देखिए एक तो स्टेबिलिटी होना चाहिए। आई टोटली एग्री विद चंद्रेश, आई टोटली एग्री विद सिद्धार्थ दा कि इन दिस फॉर्मेट बट देवाशीष टाइम का है, वी नीड देवाशीष टाइम का है, स्टेबिलिटी के लिए टाइम का है, टाइम का है। आप जब तक स्टेबलाइज करोगे इनिंग्स खत्म हो जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है। एवरी बैट्समैन हैज गॉट अ रोल असाइन टू हिम और हिम, सबके पास एक रोल असाइन किया हुआ है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, वो रोल वेरी क्लियर है। 150 स्ट्राइक रेट चाहिए तुमको। अभी क्या होता है कि मान लो विकेट गिरा है, हाँ, तो वो तुमको अडॉप्ट करना है कि उस सर्टेन मोमेंट में कि ये बॉल निकाला, ये किया, वो अलग है। लेकिन पहले क्या होता था देवाशीष, हम वनडे क्रिकेट खेलते थे तो हमारा थॉट रहता था कि चलो 4-5 रन निकालना है, अभी पावर प्ले में 8-9 हुआ, अभी 4-4-5-5। अभी टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास, 6 ओवर्स खत्म हो गया पावर प्ले, तुम्हारे पास रहा 14 ओवर। अब 14 ओवर में अगर तुम्हारे 4 ओवर निकल गए, तुम कहां से क्या क्या कर सकोगे? और इसलिए आप देखो एमएस को, जिसको मैं बहुत ज्यादा रेट करता, आई मीन ही इज अ जीनियस, वो अपना ईगो को पीछे रखता है, टीम को सामने रखता है। हाउ मेनी टाइम्स डिड वी सी इन द आईपीएल उसने जडेजा को आगे भेज दिया, खुद नहीं गया, बिकॉज वी नीड द इनफॉर्म इंपैक्टफुल प्लेयर्स इवन विद बोलिंग। आई सो अग्री विद चंद्रेश, इट डजेंट मैटर, देख विकेट कैसे निकलता है जब तेरा इकोनॉमी है। तू हमारे टीम में देखना फिस को पकड़, वो आता था वो उसी, ही स्टॉप्स द रन फ्लो। अगर तेरा वो नहीं आएगा तो ये फॉर्मेट में सक्सेस, इसीलिए ऑलराउंडर का रोल भयंकर ज्यादा आ जाता है T20 क्रिकेट में। हम इंडिया को प्रैक्टिकली सोचने का है, बिकॉज केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑल 3 प्ले इन द सेम टाइम, एंड दे विल नॉट विन अस द वर्ल्ड कप बॉस, इफ दैट हैपेंस देखा है 2016 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंडिया ने परफेक्ट इनिंग्स खेला, डॉट बॉल्स कम, बहुत मतलब परफेक्ट इनिंग्स जब बैटिंग किया पहला, बट इट वॉज द परफेक्ट वन डे इनिंग्स, इवन दो इट वॉज अ T20 सेमीफाइनल। वेस्ट इंडीज ने इंडिया से ज्यादा छक्के मारे और मैच खत्म कर दिया। बॉस यू शुड बिकम एन एनालिस्ट, आई एम टेलिंग यू, तू जो बोल रहा है 100%, बिकॉज बात यही तेरे को मैं बोल रहा था, 6 हिटिंग एबिलिटी किसमें है? मान ले तू एक इनिंग्स में 8 छक्के लगा दिया, दैट्स 48 रन्स बॉस। अब तू बोल अगर तू 8 छक्के लगाएगा तो जो सिंगल क्या है तेरा, जो रिंग है उसमें 4 फील्डर रहेगा, 5 तो बाहर रहेंगे ना, वो 4 तो रिंग में है, वो सिंगल नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगल, दे आर ट्राइंग टू सेव दैट, प्लग द गैप एंड दे आर ट्राइंग टू सेव द बाउंड्री बेसिकली। तो सिंगल तेरा डिफॉल्ट में आएगा, अगर तू डॉट बॉल खेल रहा है तो यू आर इन ट्रबल, तेरे को छक्का मारने का, एंड इफ यू हैव टू, इफ यू कैन हिट द 6, अगर इसीलिए यू नो द ईशान किशन, द सूर्य कुमार यादव, यू नो दीज गाइज बिकम सो क्रिटिकल रे। And why does Virat open for me and that's what Chandresh is saying, is he's a guy who can then play that innings that he's, aur us abhi Virat ko kya ho raha hai na, ekdam pehle jab wo batting karta hai spin aa jata hai, spin aane se tumko Surya Kumar Yadav reverse sweep karke chakka maar dega, that game Virat doesn't have, so that's a problem. Aur ek baat batao,
अगर रन बनाना ही सब कुछ है, जो रूट से ज्यादा पिछले 12 महीने में किसी ने रन नहीं बनाया तो आज इंग्लैंड के T20 लाइनअप में नहीं है, बिकॉज उसको खिलाएंगे कहां पे? टॉप ऑफ द ऑर्डर जगह नहीं है, बीच में वो खिला नहीं सकते। एंड आल्सो आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम मॉर्गन यस्टरडे इज दैट ही टोटली, ऐसे तो किसी कैप्टन को मैं करते हुए नहीं देख सकता हूं कि कोई कैप्टन आके खुलेआम बोल रहे हैं कि आई एम नॉट, मैं अपने आप को बाहर कर देगा इफ आई सीम, इफ आई प्रूव टू बी अ ब्लॉक टू इंग्लैंड। सही कह रहा है, वर्ल्ड कप तो मैं वही कह रहा हूं, जो रूट इसीलिए टीम में नहीं है बिकॉज उसका जगह टॉप में नहीं बनता। बाबर आजम अगर ओपन नहीं करेगा तो उसका भी टीम में जगह नहीं बनता T20 11 में। यही हाल स्टीव स्मिथ के साथ होने वाला है बहुत जल्द T20 क्रिकेट। एकदम तो ये द एरा ऑफ करेक्ट बैट्समैन, सॉरी टू से, आप एक टीम में सिर्फ एक ही हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, आप चाह रहे हो कि टीम के साथ खेले। हाँ, और वो ओपन करेगा। हाँ, आप चाह रहे हो कि आप तीन है एंड, और दादा और मैं ये नहीं कह रहे हैं कि वो खराब बात है, हम ये कह रहे हैं कि ये मॉडर्न T20 क्रिकेट है। T20 क्रिकेट अलग फॉर्मेट है, उसका डिमांड अलग है, इसीलिए आप वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर को 2 IPL के बेसिस में टीम में घुसा चुके हो, नटराजन को 1 IPL के बेसिस में टीम में घुसा चुके थे। T20 क्रिकेट ऐसा ही खेला जाता है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज द नेम ऑफ द गेम। चलिए अभी वी आर जस्ट अबाउट टू एंड आवर शो ऑन, हमने बैटिंग के बारे में चर्चा किया, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स क्या करना चाहिए, वी नीड 6 सिटिंग प्लेयर्स इन द साइड, आई ट्रस्ट इन द पावर हिटर्स। अभी इफ यू लुक बैक टू आवर बोलिंग, ऑब्वियसली हमारे पास बुमराह और शमी है जो कि अच्छा प्रदर्शन किया, बट देन भुवनेश्वर कुमार, हालांकि आज उसने काफी अच्छा बोलिंग डाला है, ही वाज अ बिट रस्टी लास्ट मैच, बट देन डू यू स्टिक टू समवन लाइक अ भूबी इन दिस कंडीशंस? क्योंकि हम लोग हमेशा से जानता है कि भूबी व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल सम प्लेसेस लाइक इंग्लैंड जहां पे वो काफी फायदेमंद, बट हियर इन दिस कंडीशंस, इन दिस हॉट ह्यूमिड कंडीशंस जहां पे ड्यू का भी एक फैक्टर होगा, हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ क्रुशियल विल बी भुवनेश्वर कुमार? Or would you rather go in for a Shardul Thakur in this conditions? Yeah, main bolu ya the. I'm a fan of Shardul Thakur. The reason for that is वो मुझे बहुत कुछ देता है टीम में, और उसका वो variations, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ कि ऑलराउंडर्स तुमको पैक करना है, ड्यू फैक्टर में स्पिन का मुश्किल हो जाता है, वांदा हो जाता है स्पिन का, टॉस क्रिटिकल होता है दुबई में, यूएई में, ये हम आईपीएल में देख चुके हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है कि यू डोंट नो कि क्या ड्यू है, अचानक आता है, सब कुछ अचानक होता है। सो शार्दुल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बैलेंस, आई एम नॉट सेइंग मूवी इज नॉट, बट मूवीज वी हैव टू, जैसे अभी हमने बैटिंग में बोला, बोलिंग में भी वही सिचुएशन आ रहा है देवाशीष, वन बॉलर यू कैन टेक इन द टीम और मे बी टू, कि भैया ये हमारे आउट एंड आउट बॉलर्स हैं, देन यू नीड ऑलराउंडर्स जिनसे आप बैट, इट्स नॉट टेस्ट मैच क्रिकेट की आपको 4 बॉलर चाहिए। तो आज अगर बुमराह और शमी खेल रहा है, इनसे बैटिंग तो तुम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे 2 आउटराइट बॉलर्स हो गए। अब तुमको देखना है कि वेयर डज भुवनेश सिट, वेयर डज शार्दुल ठाकुर सिट, वेयर इज जडेजा, वेयर इज अश्विन। जडेजा पर्सनली आई लाइक, व्हाई? फॉर हिज बैटिंग एंड द वे ही इज बीन बैटिंग। सो ये तो इंटरेस्टिंग आएगा, मुझे लग रहा है कि आई डोंट थिंक सो दैट भुवी इज अ स्ट्रेट केक वॉक, आई डोंट थिंक सो, बट कुड बी, टीम मैनेजमेंट माइट थिंक इट डिफरेंटली। चंद्रेश, 2 सिमर्स या 3 सिमर्स इस कंडीशंस में? 3 तो खिलाएंगे यार, 3 खिलाएंगे मेरे ख्याल से, और आई थिंक नहीं चलेगा रे बेटा, आई थिंक दे विल हैव टू गो इन विद शमी एंड ठाकुर अलोंग विद बुमराह। क्या शमी ठाकुर एंड बुमराह? तो तू ये पकड़ ले देवाशीष, 3 तो खेलेगा ही स्पेसर, दे कैन नॉट गो अनटिल एंड अनलेस कुछ एकदम, देख विकेट उतना है नहीं, हमने जस्ट फिनिश किया आईपीएल,
तीन फास्ट बॉलर का तो रहेगा रे, अब उसके ऊपर तेरे अभी अब नाउ इफ हार्दिक इज फिट एंड दैट्स द क्वेश्चन ना कि वेदर ही कैन बोल अ कपल ऑफ ओवर्स, दैट्स अ बिग क्वेश्चन बॉस. एब्सोल्युटली. और ये क्वेश्चन का जवाब देवाशीष आपको इस टूर्नामेंट के खत्म होने तक वहां से दुबई के मैदानों से निकाल के देना पड़ेगा हमको. राइट. एंड चंद्रेश, द बेस्ट पार्ट इज दैट काफी सारे मीडिया आया है ऑलरेडी, दे हैव रीच्ड दुबई, बट देन कितना विल बी अलाउड टू बी एट द प्रेस बॉक्स आई डाउट, क्योंकि हर एक मैच में आरटीपीसीआर टेस्ट 48 आवर्स बिफोर. आई शुडंट बी, आई मीन टू टेल यू फ्रैंकली जेंटलमैन, ये बहुत मुश्किल हो रहा है फॉर द मीडिया टू कवर दिस टूर्नामेंट. आई मीन फॉर स्ट्रेंज रीजंस. आई एम नॉट इन, मैं सिर्फ इतना कहूंगा अपना नाक संभाल लेना. जी बिल्कुल. नहीं, हमारे पास तो अच्छी बात यह है कि I won't be attending the matches. I won't be there in the press boxes. So मैं तो बाहर ही relax chill करेगा, room में जाके देखेगा match. I have also invited Siddhartha to come to my place and we will watch match together and we'll join you together after the immediately after the match. We'll take you once the match ends. Okay. Yeah. बढ़िया. तो दोस्तों Siddhartha and Chandresh, shall we wrap it up here? Maybe we'll have more discussions coming up tomorrow, day after. Absolutely. Absolutely. मेरा parting message ये रहेगा कि the pressure always sits on India. Because as a team, the expectations are high, the pressure of the crowd, the pressure of performing. So as long as India can keep that and, you know, just keep it simple throughout the tournament, as a team, we are a gun team and we should win it. Absolutely. Chandresh, before we leave, चंद्रेश has again gone freeze. तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़ा रहिए एक्स्ट्रा टाइम क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश और राजस्थान रॉयल्स एकेडमी यूके, तीनों चैनल में सब्सक्राइब कीजिए. और हमारा ये वीडियो तीनों चैनल में ही हम लोग अपलोड करेंगे थोड़ी देर के बाद. एंड प्लीज कीप वॉचिंग ऑल ऑल ऑल. मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है. देवाशीष आपको कह रहा था चंद्रेश की कीप सपोर्टिंग ऑल थ्री ऑफ आवर चैनल्स, चंद्र क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, एक्स्ट्रा टाइम और राजस्थान रॉयल्स एकेडमी यूके. एंड कीप सपोर्टिंग ऑल थ्री चैनल्स एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल. और ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, बिकॉज वी विल गिव यू, जैसे सिद्धार्थ है, चंद्रेश है, टू एक्सपर्ट्स हमारे शो में. एंड आई विल ऑल्सो गिव यू the actual picture what is happening here right because I will be at ground zero. So wahan se main aapke sath khabar share karega aur experts to hamare sath hai hi, Chandresh aur Siddhartha. To Siddhartha aise hi hamare sath bane rahiye throughout the World Cup. Thank you for joining us once again. We missed you during the IPL because we know that you were not supposed to join the discussion. Chandresh had been doing the shows all alone throughout the IPL, and thanks Chandresh for joining back, and we will keep our discussions to all through the World Cup. And so until then, friends, keep watching all the three channels, Extra Time, Cricket Chronicles and Chandresh and Rajasthan Royals Academy UK, and keep subscribing to all the three channels. Till we meet again tomorrow with another topic. Good night. This is Extra Time. Extra Time.